हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अपडेट देने वाली हूं जो कि सीयूईटी से रिलेटेड है। अपडेट देने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पे शो कर रही है और ईमेल आईडी भी शो कर रही है। साथ ही अभी भी कोई कैंडिडेट जो मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते तो मुझे डीएम कीजिए मेरी इंस्टा पे, या फिर इंस्टा कॉलिंग भी कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस लेने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि अपडेट क्या है। तो अपडेट में ये है कि जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो पोस्टपोन कर दिया गया और करेक्शन डेट भी पोस्टपोन कर दिया गया। जी हाँ, बहुत सारे अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का सीयूईटी का, यानी कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया ही नहीं है। वैसे अगर बात करें कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था तो उसकी लास्ट डेट जो थी फॉर्म फिलअप करने की वो 12 मार्च थी, यानी 12th मार्च थी, और अभी जो बढ़ा के कर दी गई है 30 मार्च। जी हाँ, यानी आप लोग अभी 30 मार्च तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आराम से जो कैंडिडेट जो उन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो फटाफट जाइए फॉर्म फिलअप कीजिए, और फी पे करने की भी लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च ही है। ठीक है, तो 30 मार्च से लेट मत कीजिएगा। और साथ ही बता दूं जो करेक्शन डेट है वो कब कब रखी गई है, तो करेक्शन डेट जो रखी गई है 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच रखी गई है। तो अगर आपको फॉर्म भरने के दौरान कुछ भी इनकरेक्ट हो गया होगा, कुछ भी मिसिंग हो गया होगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। करेक्शन डेट जब आएगा यानी 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं और वापस से उसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों के लिए। आई होप कि ये अपडेट आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।